Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. पेंट शॉट क्रूड की स्ट्रेंथ है, आप देखें तो एशियन पेंट्स को और ड्रैग करेगी नीचे। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है टेक महिंद्रा पे। मैं कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, प्रोबेबली बाजार खुलने के बाद ही मैं कॉल लूंगा। सो टेक महिंद्रा, जिसका जिक्र मैंने फ्राइडे भी किया था, 1290 के आसपास ये फ्यूचर में क्लोज हुआ है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो करीबन था 1270, तो मुझे लगता है आज खुलते ही 1270 की एंट्री अगर मिलती है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 20 रुपये का स्टॉप लॉस यानी 1250 का स्टॉप लॉस होगा। इसका आज का टारगेट होना चाहिए 1330 से 1340। सो टेक महिंद्रा, ये मेरा बाय कॉल है। और डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल जो है ये हमारे क्लाइंट के साथ हमने साझा किया है, यहाँ पे मेरी पर्सनल पोजिशन कोई नहीं है। ओके, टेक महिंद्रा आपके स्क्रीन पे, इट्स अ बाय, आई मीन एक सब्सटेंशियल गैप डाउन। देखिए शुक्रवार को पूरा का पूरा आईटी स्पेस एक अटेम्प्ट ले रहा था। आप समझ लीजिएगा कि एक महीने के दो महीने के अंतराल के बाद स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी आईटी इटसेल्फ एक अटेम्प्ट ले रहा था अपने एक सब्सटेंशियल एवरेज को पार करने की। मैं देखिए 10 डे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, शॉर्टेस्ट मूविंग को रीगेन करने की तैयारी कर रहा था निफ्टी आईटी और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स। तो उसी को अगर आप देखें अपने मद्देनजर रखते हुए, राजेश जी ने टेक महिंद्रा पर एक बाय का